रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जी ला मेमन नाशिर रहमान ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक उनकी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। गुफ्तगू में शर्जील मेमन का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हमसे कोई राबता नहीं किया गया। तहम उन्होंने कहा कि सूरत हाल की जिम्मेदारी पीटीआई पर आयद होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जी रहमान का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी लगाकर कुछ हासिल नहीं होना, माजी में ये सब पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है। ऐसा कदम उठाकर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। ये फैसला किया गया पीएमएल की गवर्नमेंट जाने से तब पीपल्स पार्टी को से कोई रब्ता नहीं था, ना उनसे डिस्कस किया गया और ना ही उनसे पूछा गया। ये जो भी ये एपिसोड हुआ है इसका जो जिम्मेदार है अगर मैं किसी को समझता हूँ और मैं नहीं पूरी कौम समझती है तो इमरान खान को समझती है। कि अभी तो हमारी पार्टी में मुशावरत नहीं हुई है चेयरमैन मुल्क से, हमें कोई अंदिया नहीं था जी के ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है। और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि जी ये कोई इससे कुछ हासिल भी नहीं होना है। और आई मीन फ्रैंकली पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ हुआ है माजी में और हम आखिर खड़े हैं यहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।